ठीक उसी प्रकार भक्त के हृदय में भी लगते हैं, भगवान तो अनंत है, अनंत कथा और ही अनंत कथा। बोलना तो है बहुत समय संक्षेप है, शादी में सम्मान समाप्त भी करना है, श्रोताओं को भी आगमन धीरे धीरे होता रहता है, हम चाहते हैं जल्दी आकर के बैठे कुछ कथा को आगे बढ़ा। तो देखा श्रोता धीरे 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 आगे राजकुमारी चले 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 कथा है बहुत रोचक करके कभी कभी मैं सुनाता हूँ इसी कथा को, राजकुमारी चली 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 चले और समाप्त हो गया चल। भगवत कथा अमृतमय कथा है क्योंकि कथा की सब कुछ निर्भर करता है श्रोता के ऊपर, भक्त के ऊपर है। जैसे श्रोता उत्कंठित होकर के रहते हैं और वक्ता उसी प्रकार से उत्कंठ होकर के कथा में बोलते हैं, भगवान और भक्त में उसी प्रकार की संबंध है। तत्व सिद्धांत के अनुसार बृहद भगवत अमृता कथा में सनातन वस्त्र पाद भी वर्णन करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान, ऐसे भक्त उसी प्रकार भक्त के निकट अपने स्वरूप के लिए प्रकाश करते हैं और अपने उस धाम की भी प्रकाश करते हैं। भगवान तो एक ही है, एक में वो अद्वितीय, एक ही परम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है, उदावश्यक है। किंतु भक्त की रसमानुज की वैशिष्ट जैसे होते हैं भगवान, उसी प्रकार भक्त की हृदय की प्रेम रस आस्वादन करने के लिए और आस्वादन कराने के लिए अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में वही कृष्ण वैकुंठ में किस रूप में प्रकाशित होते हैं? नारायण के रूप में, शंख चक्र गदा प्रकाशित होते, क्योंकि वह पर भक्त उसी प्रकार है। गुरु विशकसेन आदि उस वैकुंठ में भक्त नहीं एक ही रहते हैं, बल्कि इष्ट देव के प्रति ये निष्ठ आदि कर रस विचार में आगे जाकर हम लोग वर्णन करेंगे। संत रस वैकुंठ में क्या होता है? संत रस प्रधान होता है, ये प्रोमिनेंट संत रस, और दास का क्या होता है? सेकेंडरी होता है, गौण होता है। सेवा वृत्ति की भावना कम होता है, निष्ठा तो रहता है, संत में निष्ठा होता है, दास में क्या होता है? सेवा वृत्ति। फिर वही भगवान कृष्ण वैकुंठ के ऊपर अयोध्या में जहां पर दास प्रधान होता है और शांत रस गौण होता है, सेकेंडरी होता है, इसलिए उसी प्रकार वही उसी दास अयोध्या में स्वयं ही कृष्ण रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। वहां पर उनके परिकर भी उसी प्रकार हनुमान आदि इस समस्त उनके परिकर होते हैं। फिर आगे जाकर के अयोध्या के ऊपर द्वारका पुदारी के पुरी में होता है, इसके आगे मथुरा, इसके आगे गोलोक वृंदावन में भगवान अपने सत्व वासल और माधुर्य के प्रकाश करते हैं। सर्वोत्तम माधुर्य रस की परिपूर्ण रूप से प्रकाशित रूप में कहां पर? राधा जी के पास, वो भी राधा जी के पास कहां पर? रासस्थल सैमे रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मंत्र समस्त जगत जनस, जिसे हम लोग स्वयं का सुंदर में सब वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि बृहद भगवत अमृत ग्रंथ में इसमें सब वर्णन है। जैसे भक्त होते हैं भगवान, उसी प्रकार भक्त के निकट अपने स्वरूप और समाधुर्य को प्रकाश करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा हम श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी कथा को जो है राय रमानंद से श्रवण किया, जैसे अभी कुछ बात राय की हमारे रामचंद्र प्रभु राय रमानंद संवाद के संक्षेप रूप में बता रहे हैं, श्रवण किया।
चैतन्य महाप्रभु यम लीलाएं देखते इसके दो भाग में होता है। जैसे कृष्ण की लीला दशम स्कंद में वर्णन है, एक भाग है पूर्वार्ध लीला और एक होता है जानते हैं उत्तरार्ध, परार्ध उत्तरार्ध परार्ध उत्तरार्ध पूर्वार्ध परार्ध का उत्तरार्ध होता है। जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद जहां पर सारी कृष्ण लीला की समावेश है, हिंदी में इस तरह लिखा नहीं है, बंगला जो आप पढ़ोगे भागवत ना उसमें भक्तियां प्रभुपाद ने बहुत सुंदर करके इसको लिखा है। पूर्वार्ध में क्या कृष्ण की लीलाओं की यह है कि बाल लीला से लेकर के और यहाँ तक चले चले गए हम तक राधा जी के दीपोन्मान दशा तक श्रीमद् भागवत दशम स्कंद फर्स्ट चैप्टर से लेकर के फोर्टी नाइन चैप्टर तक इसको कहा जाए पूर्वार्ध लीला कहा जाता है। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रज की लीला ये सब वर्णन हो गया। इतना ही सोचो ब्रज की लीला और दूसरी क्या लीला है उत्तरार्ध लीला कहा जाता है जिसमें इस प्रकार घर में रह करके भजन साधन करते हैं, अपने जीवन के आचरण के द्वारा चैतन्य महापुरुष जी को विशेष पूछा है। और फिर सन्यास देकर के एक वैरागी सन्यासी होकर के किस प्रकार सन्यास जीवन व्यतीत करते हैं पालन करते हुए तो वहां पर 48 साल जगत में जो रहे उसमें 24 साल गृहस्थ लीला और 24 साल संन्यास लीला।
हम अभी तक भी जितने भी पुनर किया अभी जितने लोग महापुरुष की गृहस्थलील की कथा हम वर्णन किया, ये गृहस्थ होकर के किस प्रकार धन का अपने माता पिता परिवार जन के किस प्रकार हम सम्मान कर सकते इस रस्ते में हम प्रभु सीता इस रस्ते में हम महाप्रभु सभी स्वामी नाशन किए शास्त्र में वर्णन है। सभी के सन्यास लेना ही चाहिए, सन्यास बिना आपकी काम ही नहीं होगा, आप स्त्री हो पुरुष हो। सन्यास जब तक नहीं लोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा। बोलिए कैसे सन्यास भी हो चुका है, अभी सन्यास की कथा हम आगे महापुरुष की लीला सन्यास वर्णाश्रम धर्म आदि पालन में भी ये वर्णन है। ब्रह्मचारी और इसे देखो कितने साल तक के देखो भी शास्त्र में सब वर्णन है। हम यदि वास्तव रूप में वर्णाश्रम ध्वज पालन कर पालन करें उसमें नियम है। ब्रह्मचार्य कितने साल तक पालन करना है, द्वादश वर्ष तक मान 12 साल तक गुरुकुल में रहना चाहिए। कितने साल? 12 साल गुरुकुल में रहना चाहिए। गुरुकुल में रह करके शास्त्रादि अध्ययन आदि करे, कठोर ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हुए सब कुछ शास्त्र आदि ग्रहण आदि करे और इसके पश्चात उसके ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। दो प्रकार के ब्रह्मचर्य होता है, एक होता है वृश्चिक ब्रह्मचारी और दूसरी होता है क्या उपकुर्बान ब्रह्मचारी। वृश्चिक ब्रह्मचारी जो होता है द्वादश साल तक मान 12 साल तक गुरुकुल में रह करके कठोर परिश्रम आदि के द्वारा ब्रह्मचर्य आदि जीवन आदि करते हैं, शास्त्र आदि अध्ययन आदि करते हैं, उसके वृश्चिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। उस वृश्चिक ब्रह्मचारी में फिर कहा जाता है हमें संसार कोई सुख भोगना नहीं, वो उसी ब्रह्मचारी से ही वो डायरेक्ट सन्यास भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं है गृहस्थ धर्म में गृहस्थ प्रवेश करना विवाह आदि करना। नास्तिक ब्रह्मचारी से वो सन्यास ले सकते हैं, जैसे प्रभु आचार्य जी इसको वर्णन है। और एक प्रकार से उपकुर्बान ब्रह्मचारी हो जाता है। ब्रह्मचर्य के बाद देखा जी हमारे द्वारा सब कुछ संभव नहीं है, इंद्र आदि दमन ठीक से निकल नहीं पा रहे, विवाह एक पुत्र धारण करके विवाह आदि करते हैं, स्त्री पुत्र आदि पालन पोषण करते हैं, यथाथ अतिथि आदि सेवा आदि करते हैं, समाज जब संपूर्ण रूप से तो सन्यास ग्रहण करना चाहिए।
की लीला में हम लोग जो वर्णन करते जा रहे हैं काल महाप्रभु की सन्नास करके मैंने इंगित दिया, ये महाप्रभु शिक्षा है। ये भी सन्नासी भी कई प्रकार के संचार प्रकार के सन्नासी भी कहा जाता है। क्या क्या? एक होता है उठी चक्कर कहा जाता है, अपने सन्नासि लेकर के एक स्थान में झोपड़ी बना करके आश्रम बना करके रहते हैं, उसी का है कुटीचर कहा जाता है। दूसरी का होता है बहुदव कहा जाता है, उसी प्रकार उस युग की कथाएं जो है
फिर आदि युग में ऐसे संत महात्माओं के त्रिकालपद पर ऋषि होते थे, कितने सब शक्ति रखते थे, बुढ़े गायों के लिए जब तुम्हें आहुति दे देते थे, फिर मंत्र के द्वारा उनको जो है जुवा करके दे दे। कलयुग में ये संभव नहीं है, इसलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ माना जाए। इस अश्वमेधम गोवारम परपित्रिकम, कलयुग में पितरों की शादी जो है श्राद्ध जो है मां शादी के द्वारा नहीं होता, मान मछली मां शादी में करनी, ये विवर्जित का है। अश्वमेधम गोवारम सन्नास, बोले सन्नास भी कलयुग में नहीं है, बोले सन्नास नहीं है तो हम सन्नास ले रहे, गुरुदेव ने इसके ऊपर जबरदस्ती जो है अटकल बाबा जी संप्रदाय के लोग लाल कपड़ा देख करके बिल्कुल भड़क के रहते हैं। गुरुदेव के एक ग्रंथ है, ग्रंथ पंचकम, प्रबंध पंचकम, हाँ प्रबंध पंचकम, उसमें श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कि उसमें एक यही अटकेट का सन्नास के ऊपर है, गौरी विष्णु के सन्नास, क्योंकि बाबाजी संप्रदाय के लोग गौरी संप्रदाय विशेष करके सन्नास के बाद लाल कपड़ा देख करके बहुत कुछ कुछ साथ जो है रटाती है, समालोचना करती है, इसलिए बहुत सुंदर में इसमें गुरुदेव कई आर्टिकल में लिखा। मुझे याद है गुरुदेव ने ये प्रबंध पंचकम ग्रंथ जो है रस किया और उसमें सारे जितने जितने लोग हैं श्यामराम हाथी से लेकर के जितने लोग बाबा जी समझे सफेद कपड़ा, तुम लोग सफेद कपड़े कहां से है, सब
डाली थी, बहुत बुरी सब है। इसलिए बाबा जी से पूरा सब भड़क गए, किंतु एक महीने तक करकेट में भी कौन जाएगा? ये कथा ना, बिल्ली के गले में कौन घंटी घंटी बांधे है? एक साधु के आश्रम में चूहा जो बहुत तंग करने लगे, वो संत महात्मा ने एक बिल्ली करके रख दिया। सारे बिल्ली सारे चूहा विचार करने लगे, हम कैसे भोजन करेंगे यहाँ पर? तो वे सारे चूहा का विचार करने लगे, काम किया जाए बाकी से बचने के लिए एक ही उपाय है, यदि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दिया जाए, जो बिल्ली जब चलेगी ना ठंड ठंड छत्ते होगा और सुनते ही हमें सब गड्ढे में घुस जाए। किंतु मानेगा कौन? जो बांधने के लिए जाएगा उसके ऊपर बिल्ली क्या करेगी? झपटा मारेगी, झपटा मारेगी। तो उसी प्रकार ये बाबा जी सब मन में सभी सभी एक ही समय है तो कोर्ट केस करना है, किंतु जाएगा कौन? अर्थ के लिए कौन करेगा? अर्थ की विचार तो लिखा उन्होंने, शास्त्र में ऐसे लिखा है, लड़ कपड़े के बारे में, संन्यास के बारे में लिखा है। तो बुद्ध के जीवन काल में प्रकट काल में किसी ने किसी बाबा जी से बदल। दूसरी बात ये विचार करने लगे, देखो नारायण महाराज की साधारण नहीं, उनकी जब से लेकर के पूरी से लेकर सब उनके महाप्रभु आई प्रेम रस निर्दास राम
अस्सी झुकाने से
दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु ने विचार करने लगे, जो मैं बहुत दूर से आया जो टोकरी भर के लेकर आया हूँ, प्रेम को लेकर आया हूँ, उसको मैं इतना चाहता हूँ, किंतु कोई लेना नहीं चाहता, किंतु मैं इसको वापस लेकर के नहीं जाऊंगा, फ्री में देकर के ही जाऊंगा, कोई भी बात नहीं दे जाऊंगा। छह प्रकार के व्यक्ति लेना नहीं चाहते, अधम पड़ुआ पाषाणी कुतार्की मायावादी और अपराध, ये छोटा छोटे व्यक्ति जो है कब जम जाते हैं उसमें आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार पीपल खंड लेना पड़ता है, एक प्रकार आयुर्वेद उस लेने से कफ ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रेम को मैं देना चाहता हूँ किंतु उल्टा देना नहीं चाहता, और भी मुझे भी मानने के लिए प्रयास कर रहा, कहां मैं प्रेम देने के लिए आया, कुछ किस भाव को मैं देने के लिए आया, किंतु भाव को लेना नहीं चाहता। विचार करेंगे इस अवतार में मेरे अवतार के नाम क्या है, उदार जो मैं अवतार है गुरंग की अवतार के नाम है उदार अवतार, गुरंग उदार कोई अधिकारी अनधिकारी नाम देख करके उदार जो मैं चैतन्य महा राम कृष्ण नाम करे अपराध विचार नाम लोये अपराधी नाम के विकार गौर रित्रनंदन ये सब विचार नाम लोये प्रेम दे वहे उसुंधार बड़ा सजन गौर की जय। नाम करना है तो नाम अपराधी विचार के जरूर कर दस प्रकार अपराधी बने अखिल ज्ञान होना चाहिए और सतर्क रखना चाहिए कहीं अपराध ना हो, किंतु निमाय सुंदर करुण
जब महाप्रभु सन्नास लेकर के चलने लगे। बहुत सुंदर इस समय का कथा है महाप्रभु की लीला जो बंगाल में नाम से सज्जित कर हम पहले जो है ये भागवत में मुझे हार नहीं देते थे। बोले भागवत प्यारी भागवत नहीं नहीं भागवत सुना नहीं चाहिए हम लोग के देश में ऐसे था अरे भागवत नहीं नहीं भागवत नहीं बोले क्या पढ़ना चाहिए बोले चैतन्य महाप्रभु गौर लीला जहां पर जाओगे लोग मुंह से इतना ही आपके ब्रेन निताई अपनी श्री शांति पत्नी विष्णु प्रिया के लिए बोले वृद्ध मानवी कर चित्र महाप्रभु गंगा के गंगा के किनारे में आज व्यस्त और फिर प्रणाम करके फिर गंगा में कूदे और तैर करके चले गए गंतव्य सन्नास जो कि बहुत सुंदर है हम उस समय सन्नाटे भी सुनते थे कितना आनंद होता है ऊपर से जितना ही रोते थे और उतने अंदर में उतना ही आनंद होता है ये बार बार उसे सुनते रहे बार बार सुनते रहे सन्नाट सुनना है कितने सुंदर और वहां गुरु गए कहा और केशव भारती से सन्नाश एक्चुअल चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के भी एक बोले देखो आज रात में मेरे सपने में ये मंत्र आ गया क्या मुझे ये मंत्र देना चाहती मंत्र संचैतन्य महाप्रभु केशव भारती की जो है वो सन्नास मंत्र को सुनाया दिखते वस्तु रूप में चैतन्य महाप्रभु केशव भारती की जो है सन्नास मंत्र से साक्षात भगवान की मुकुंद की सेवा
सन्यासी नहीं है, सन्यासी का तात्पर्य नहीं है मैं बड़े सन्यासी हूँ, मुझे अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, कपड़ा लगता है, वो जन में ये पाप भी लेते हैं, इतने का पाप क्या क्या लेते हैं, व्रत क्या लेते हैं, जीवन के उद्देश्य से मात्र मुकुंद सेवा, इसलिए कहते हैं मुकुंद सेवा व्रत। और कैसे मुकुंद के सेवन व्रत करें, काय मन वचन के द्वारा। सन्यासी की तात्पर्य है सन्यासी सेवा सेवा के द्वारा। गुरु है क्या चीज, गुरु के स्थूल वस्तु नहीं है, गुरु साक्षात भगवान की सेवा के मुक्त विधि गुरु का आता है। गुरु क्या चीज है, स्थूल शरीर नहीं है, गुरु साक्षात भगवान की सेवा के मुक्त विधि। और एक होता है कि निकटतम सेवा,
क्या करना है, क्या होता है, स्वतंत्र नहीं सेवा ये मंजरी भावों की कथा व्यक्त नहीं किया
चैतन्य महाप्रभु के पहले अनेक जने रसिक वैष्णव आचार्य जी भी हुए। हम तो स्कूल कॉलेज में गए, इसको पढ़ाया जाता था, उसमें हम तो समझते नहीं थे क्या बोल रहे, बस इधर आकर के गुरु जी सानिध्य में कथा श्रवण करते थे, थोड़ा बहुत समझने के प्रयास करते थे, पेपर लिख दिया बस, याद कर लिया और लिख दिया बस, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर बात कर उसमें क्या करते पता नहीं था, क्योंकि ये सब कथा जैसे विद्यापति चंडीदास के बारे में हम पढ़ते थे, उसमें लिखना यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता था, फिर उसने समझते नहीं क्या लिखना क्या होगा, बस केवल पढ़ लिया लिख दिया बस पास हो गया, किंतु गुरुदेव के चरण कमल के सानिध्य में बैठ कर के कथा जो श्रवण करते हैं हाय हाय, उस समय ये सब जो पढ़ते यदि जान देते थोड़ा ध्यान से हम सुनते थे, ध्यान से पढ़ते थे, हिलाए वतन हराई हुई, कभी विद्यापति चंडीदास के भी बहुत बड़े बड़े सब कवि थे, कोई साधारण नहीं था, ये सब सभी भाग की कथा सुना है, क्योंकि ये अपना चेतन चलता में सन्ना के चेतन महाप्रभु सन्नास के प्राण जब चले ये सब भारतीय सन्नास लेकर विजय मुझे वृंदावन चलना है, अचेतन महाप्रभु वृंदावन की तरफ चलने लगे, हा कृष्ण करके भाव में अविष्ट रूप में चलने लगे, और इधर नवदीप धाम में हाकार मच गया, चैतन्य महाप्रभु हमारे कीर्तन में कहे सची माँ कहे निमाय 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 प्रतिध्वनि कहे नाय नाय नाय, अरे तुम्हारे माय और नित्यानंद प्रभु
एक समुद्र के दूसरी तट पर गंगा है ना, फिर समुद्र क्या है वहां पर नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य महाप्रभु के एक नित्यानंद द्वारा समाचार प्राप्त करके एक नाम लिख दिया और पत्नी
नारायणी। और एक दिन दुर्वासा आकर के अभिशाप दे दिया, इसलिए दुर्वासा अभिशाप बोला मत वासी। पुराण की कथा है, एक बार दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ में पधारे। उस समय लक्ष्मी देवी नारायण के पद चरणों से सेवा की थी। और
यहाँ भी और भी ग्रंथों में चैतन्य प्रकाश आदि ग्रंथों में भी लिखा है चैतन्य महाप्रभु।